नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है ओवैसी जी जो है उनका एक वीडियो है जो मेन टाइटल है वो आपको देख ही गया होगा। वीडियो के अंदर होने वाला है बहुत ही अलग तरीके का एक वीडियो होने वाला है क्योंकि इमोशनल टच है इसमें और हैदराबाद का एक वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लेकर आते रहते हैं, नॉलेजफुल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह हमारा खुदा है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी। साफ रोजे जदा ने हमको बताया कि अगर दुनिया कल तुम्हारे सामने आकर, आखा ने फरमाया कि अगर कोई मेरे हाथ में सूरज को रख देगा, एक हाथ में चांद को रख देगा, तब भी मैं इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और हमेशा मसाइब में, बुरे वक्त में, तकालीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर भीख मांगना, अहले बैत का वसीला देकर भीख मांगना, इमाम हुसैन का वसीला देकर भीख मांगना, शहजादी जन्नत का वसीला देना। आपको मालूम यमन में 1,00,000 मुसलमान बच्चे मर गए, दवाएं नहीं। यमन की सरजमीन के लिए दुआ करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के लिए दुआ की। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गो, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जश्न रहमतुल्लाह अलैहिम में ये गुनाहगार आपसे अर्ज कर रहा है, उलमाओं की मौजूदगी में लपकशाई कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उदवा आए थे अहले कुरैश की तरफ से और आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मकसद क्या है, आप दौलत चाहते हैं पूरी दौलत दे देंगे, सरदारी चाहते सरदारी दे, किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हम पेश कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतों को सुनाया, वो परेशान हो गया और जाकर अपनी कौम से कहा कि नहीं, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा नबी है, इससे मुकाबला मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने पूछा क्या है ये, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतुल्लाह अलैहिम ने, कमली वाले ने, साफ रोजे जगा ने हमको बताया कि अगर दुनिया कल तुम्हारे सामने आकर, आखा ने फरमाया कि अगर कोई मेरे हाथ में सूरज को रख देगा, एक हाथ में चांद को रख देगा, तब भी मैं इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जालिमों, अगर तुम समझते हो कि हम अपना ईमान का सौदा करते हैं तो कोई करता होगा मगर हम नहीं करेंगे। हम जिस हाल में है खुश हम मर जाएंगे, या तो तुमको हमको मारना पड़ेगा, हमको जिस्मों पे हमारे गोलियां मारना पड़ेगा, या जेलों में डालकर हमको खत्म करना पड़ेगा। मगर याद रखो इस्लाम के दुश्मनों, जब तक हम जिंदा हैं ना तुम्हारी दौलत हम आपको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए, अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, दुनिया हमको ये समझ रही है कि खरीद लो इसकी आवाज को, खरीद लो नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, यही दारुस्सलाम इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं आज सऊदीन ओवैसी अपने वालिद मरहूम, मेरे सियासी खायर सालारे मिल्लत के उस तकरीर के जुमले के अल्फाज याद आ रहे हैं कि मरहूम खायद सालार ने कहा था कि हमने कलमा पढ़कर अपनी जिंदगियों को जन्नत के वज भेज दिया, अभी अल्लाह जाने क्या कर ले हमसे। हम मुकाबला करेंगे मेरे भाई, मैं जानता हूं,
मैं जानता हूं क्योंकि मैं हालात को करीब से देखता हूं, मैं जानता हूं कि क्या क्या साजिशें हो रही है, मगर एक ही चीज है जो मुझे लेकर आगे बढ़ती है और जो जिम्मेदारों को आगे लेकर बढ़ती है कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल कर रहा और हमेशा मसायब में, बुरे वक्त में, तकालीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर भीख मांगना, अहले बैत का वसीला देकर भीख मांगना, इमाम हुसैन का वसीला देकर भीख मांगना, शहजादे जन्नत का वसीला देना। मेरे भाई ये तारीख हमारे सामने है, इसलिए नौजवानों मायूस मत हो, हिम्मत से काम लो, दीन पर चलो, इस्लाम पर कायम रहो, मस्जिदों को आबाद रखो, शरीयत पर चलो, शरीयत पर चलो। शरीयत की हिफाजत कैसे करोगे जब शरीयत को अपना लोगे, जब अपने नफ्स पर शरीयत को गालिब कर दोगे नौजवानों। और इस्लाम आसान दीन है, इस्लाम टफ नहीं है, बहुत आसान दीन है। ये दुनिया बोलती अरे तुम्हारे पास शराब नहीं पी सकते, तुम्हारे पास शादी से पहले औरत को हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास ऐसा है ऐसा नहीं। मेरे भाई अल्लाह ये जो दीन हमको दिया है ना, ये हमारी फितरत के लिहाज से अल्लाह ये चाहता है कि हम नेक बन जाएं, उसकी इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें। और कैसे करें? कुरान और सुन्नत को अपनाने से। कुरान और सुन्नत को अपनाओ और याद रखो, अगर कोई मुसलमान दुनिया की इख्तदार के लिए, दुनिया के पोजीशन के लिए, दुनिया वालों में इज्जत हासिल करने के लिए, दुनिया वालों के सामने अपनी अहमियत जताने के लिए शिर्क करता, तो उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। हमको नहीं चाहिए ऐसा मुकाम, ऐसी इज्जत, ऐसी दौलत जो हमको शिर्क करने पर मजबूर कर दे। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह हमारा खुदा है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी। हम अपनी जबान से, अपनी हरकत से या खुदा ना खास्ता कभी मसलहत के नाम पर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। और अगर कोई कर रहा है, दूर रहो और दुआ करो उसके लिए कि अल्लाह हमको बचाए और अल्लाह उसको भी बचाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं, हौसलों को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये बादल ताकतों का तूफान हटेगा, ये काले बादल जो आलम इस्लाम पर मुसलमानों के सरों पर मंडला रहे हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बादशाह, ये मुमलिकात, ये इख्तदार, ये सब खत्म होगा। सही बात, ये चंद दिन के मेहमान है, याद रखो। इनकी शान और शौकत खत्म हो जाएगी, इनकी दौलत भी खत्म हो जाएगी। इनको जब लिहाज होगा, जब इनको मालूम होगा। दुआ करो उन यमन के मजलूमों के लिए जो आज तड़प रहे हैं। आपको मालूम यमन में 1,00,000 मुसलमान बच्चे मर गए, दवाएं नहीं। यमन की सरजमीन के लिए दुआ करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के लिए दुआ की, अल्लाह यमन में अमन कायम कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दीन इस्लाम पर चलो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन। और हम क्या करते नहीं होता, जिंदगी के कीमती लम्हों को नौजवानों वो वीडियो गेम मत गुजारो जिसको तुम बड़ी पसंद से खेलते हो, PUBG। नहीं मेरे भाई, नहीं, तुम्हारी जबान पर तो दुरूद शरीफ का जिक्र होना, तुम्हारी जबान बार बार दुरूद सलाम, तुम्हारी जबान पर यही होना, तुम्हारी जबान पर हज़्बुल्लाह नेमत वकील, नौजवानों तुम्हारी जबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह होना चाहिए। जब तुम ये चीज, ये आदतें अपना लोगे तो देखना हमारी कामयाबी होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे एक अजीब दौर है, ऐ कश्ती उम्मत के निगेबान, बेड़ा ये तबाही के आन लगा है रसूल अल्लाह। हम तो रहमतुल्लाह अलमीन से भीख मांगते हैं कि रसूल अल्लाह अपनी उम्मत की खबर लीजिए,
हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार हम तेरे हबीब की उम्मत है, हमारी लाज रख ले, हमारी लाज रख ले बस। अल्लाह हमको जब तक दुनिया में रखे हम उसके दीन पर रहे, अल्लाह हमको शिर्क से दूर रखे, अल्लाह हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए, जो लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए, जो लोग बातिल ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए। सही बात है भाई, ये बहुत ही प्यारा उन सभी मुस्लिम्स के लिए मैसेज दिया है कि ओबीसी जी ने कि है ना, मतलब जो दीन है उनके अगेंस्ट नहीं जाए, शराब नहीं पिए। तो बहुत ही प्यारा ये वीडियो था इस चीज को लेकर, मतलब मोस्ट ये जो वीडियो है स्पेशली उन मुस्लिम्स के लिए है जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। आज की जनरेशन के प्रोबेबली बहुत से ऐसे बहुत है कि जैसे कि मैंने देखा है दारू हराम है बट फिर भी मेरे को ज्यादातर लोग दारू पीते हुए दिखे हैं, और जैसे अपन क्या कहते हैं जीना हराम है, फिर भी बहुत से ऐसे मतलब मैंने सुना है देखा है लोगों को, मतलब ये सारी चीजें जो हराम है वो ज्यादातर हो रही है, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको अपने रिलीजन में आपके जो हराम है भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो रिलीजन फॉलो करते हो आप उस रिलीजन को इन डेप्थ तक तो मानो यार। तो वही चीज है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे जी, नमस्ते, थैंक यू।